तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है मुकेश, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ MIUI के अंदर, जो कि स्टॉक ही है। तो हम अब इंस्टॉल करने वाले हैं एंड्रॉयड 11, जो कि नौशांतारा एंड्रॉयड 11 बेस्ड रोम है। तो उसको हम करने वाले हैं आज इंस्टॉल। तो चलते हैं रिकवरी में और यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर, हालांकि एडवांस फीचर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इसके अंदर पावर ऑफ रीस्टार्ट का ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर रीस्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको सबसे पहले बूट करते हैं रिकवरी में, उसके बाद दिखाते हैं। तो हमारा फ़ोन यहाँ पर बूट कर चुका है रिकवरी के अंदर। और यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं वाइप में, वाइप के बाद एडवांस वाइप, डेलवेक एट कैसे डेटा, इंटरनल को ध्यान से भी नहीं करना है वरना डेटा उड़ जाएगा, इंटरनल को छोड़ दिया है, स्वाइप टू वाइप और GFS की ज़रूरत देखते हैं कि पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर इसका जो साइज है करीब 819 MB का है। तो हम अब चलते हैं बैक इंस्टॉल और यहाँ पर नौशांतारा का ये यहाँ पर 11 के ऊपर इसको करते हैं स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश, और फ्लैशिंग हो रही है। अब यहाँ पर ये पूरी पट्टी भरेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये अनऑफिशियल है, तो इस कारण से भी हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैशिंग हो रही है लेकिन हमें यहाँ पर स्टेटस नहीं बता रहा है इसके अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि यहाँ पर शो ना हो। तो अब GFS का तो मालूम नहीं है, GFS को भी, हालांकि एंड्रॉयड 11 के GFS को फ्लैश कर लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद GFS इसके अंदर नहीं है। हालांकि अब यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैशिंग बेंडर इमेज, उसके बाद फ्लैशिंग बूट इमेज और यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 814 MB का है, कंट्री इंडोनेशिया है यहाँ पर, इसको हम चेंज कर लेंगे। तो जस्ट फ्लैशिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एंड्रॉयड 11 के GFS भी हम मेरे पास में हैं, तो उनको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत तो हमें पड़ने ही वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐप्स है, मैं यहाँ पर निक GFS को यूज़ कर रहा हूँ, निक GFS, यहाँ पर निक GFS वो ARM64 एंड्रॉयड 11 और यहाँ पर स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश। तो यहाँ पर ये कुछ ऐप्स हैं गूगल के, तो इनको हमने फ्लैश कर दिए हैं। तो क्योंकि इसके अंदर GFS आते हैं लेकिन कम्प्लीटली GFS नहीं आते हैं, तो अब हम करते हैं रिबूट सिस्टम, और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो हम डायरेक्ट रिकवरी से ठीक कर सकते हैं। तो अब हम इसको बूट हो जाने देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो इसका बूट अप एनिमेशन आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 10 की तरह, ये एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड है नौशांतारा, ये अनऑफिशियल रोम, और इसको हम यूज़ करने वाले हैं काफ़ी दिनों तक, उसके बाद ही आपसे बात करेंगे और रिव्यू भी इसका देने वाले हैं, क्योंकि नौशांतारा के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जस्ट यहाँ पर कम्प्लीट हो जाए, उसके बाद हम उसका फर्स्ट लुक भी दिखा देंगे। तो यहाँ पर बूट अप हो चुका है और एंड्रॉयड 11 का आप फर्स्ट लुक नौशांतारा देख सकते हैं। ये बीटा में है अभी, ये स्टेबल रिलीज नहीं किया गया है और ये अनऑफिशियल है, ऑफिशियल नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ GFS हमने फ्लैश किए थे वो तो आ चुके हैं, और डायरेक्ट चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। और सेटिंग्स में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेन पार्ट्स का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, प्लस नौशांतारा ब्लिंक्स, जो कि बहुत एडवांस फीचर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलते हैं सिस्टम अबाउट फ़ोन के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 11, तो एंड्रॉयड 11 देखने को मिल रहा है, तो बहुत एडवांस है। और हालांकि अब सभी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें अब एंड्रॉयड 11 देखने को मिलने वाला। तो ये है एंड्रॉयड 11 नौशांतारा प्रोजेक्ट। तो हम बार बार करते हैं टैप, और ये यहाँ पर एंड्रॉयड 11, जो कि बहुत मस्त लगता है, आप इसको 2 से 3 बार करेंगे तो एंड्रॉयड 11 आ जाएगा। और यहाँ पर एक कैट का भी साइन आ रहा है। तो 5 नवंबर का सिक्योरिटी पेज देखने को मिल रहा है, मेंटेनर देख सकते हैं, बीटा है, अनऑफिशियल है, और बेस्ट सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो यही है कुछ इसकी कहानी, और कुछ फीचर्स भी जिन पार्ट्स देखने को मिल रहा है नौशांतारा ब्लिंक्स, जो कि सबको मालूम है कि ये फीचर्स तो हमें बहुत ख़तरनाक वाले देखने को मिलते हैं। तो ये है फर्स्ट लुक नौशांतारा एंड्रॉयड 11 के ऊपर, जो कि बेस्ड है। तो बस यही आज का वीडियो, अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो सब्सक्राइब वगैरह आप कर सकते हैं और लाइक करना इस वीडियो को। तो हमें तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।